नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 1.5 लाख रुपए पर के हाथ साफ। इन दिनों जनपद चंदौली अपराधियों को खूब रास आ रहा है, जिसके कारण अपराधी अपराध पर अपराध करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बबुरी थाना अंतर्गत पांडेपुर बाजार का, जहां रामचंद्र प्रसाद के कपड़े की दुकान से लगभग 1,50,000 रुपए ताला तोड़कर उड़ा दिए गए। जानकारी के अनुसार पचोखर निवासी रामचंद्र प्रसाद का पांडेपुर में कपड़े की दुकान है। वह रोज की भांति शाम 7 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। जब वह तड़के 4:40 दुकान की तरफ आया तो ताला टूटा हुआ दिखा और काउंटर खोलकर देखा तो उसमें पैसे गायब थे। उसने तुरंत उक्त बात की जानकारी डायल 112 बबुरी थाने को दिया, जिसके बाद पुलिस पहुंचकर अपनी कार्रवाई कर रही है। बाइट रामचंद्र प्रसाद पीड़ित। सत्यात्रा न्यूज से मुकुट धारी सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। नाम है रामचंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? पचोखर ग्राम पटाना। ये आपके कपड़े की दुकान में चोरी हुई है? क्या चोरी हुई है और कितने की चोरी हुई है? चोरी हुई है सर, हम रखे थे कल पैसा देना था गिट्टी वाले को 85,000 लगभग जी, वो रखे थे कैश और करीब दुकानदारी का था 16-17 हज़ार जी, और उसके बाद नीचे था सिक्का मिला के 16-17 हज़ार और नोट लगभग 17-18 हज़ार लोग नोट भी थे। कितना रकम हुआ लगभग आपका? लगभग 1.5 लाख के ऊपर, 1.5-1,55,000 के लगभग था। आपको कैसे सूचना मिली सुबह? सुबह हम जब आए भोर में 4:40 जब देखे दुकान तो ताला तोड़ा था नीचे वाली परचून का जी। तो इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? प्रशासन को 100 नंबर दिया गया, आया प्रशासन, फिर उसके बाद लिखा पड़ी हुआ, फिर गए थाने में बुलाए हैं। क्या आश्वासन मिला प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा बुलाया गया कि आप आइए थाने पर, चोरों को पता किया जाएगा भाई। और क्या आश्वासन?